ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर का रुख करें, आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 और आज दूसरे दिन की पहली पारी की परीक्षा चल रही है। जनरल स्टडीज पार्ट 3 का पेपर चल रहा है। 5 शहरों के 71 केंद्रों पर अभी परीक्षा जारी है। आपको बता दें, दूसरे दिन की पहली पारी की उपस्थिति 19,355 में से 16,427 अभ्यर्थी मौजूद हैं जो कि पेपर दे रहे हैं। 2,928 अभ्यर्थी गैर हाजिर हैं। तो वही अजमेर में 84.66% और उधर जयपुर में आपको बता दें 84.20% उपस्थित हैं। जोधपुर की बात की जाए तो 86.30%, उधर कोटा में भी 86.82% उपस्थिति है। उदयपुर में 85.60% अभ्यर्थी उपस्थित हैं और तो कुल मिलाकर 84.87% अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हैं। सहयोगी अभिजीत दबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिजीत, आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 आज दूसरा दिन, पहली पारी की परीक्षा, किस तरीके की तैयारियां रही एंट्रेंस से पहले और इंतजाम रहे, और साथ ही अभी क्या अपडेट है, ऑल इज वेल? बिल्कुल, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है और जो दो दिन में 4 पेपर होने हैं आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 का, उसका तीसरा पेपर फिलहाल जारी है और 1.5 घंटे का समय और बाकी है जब वो तीसरी पेपर की परीक्षा संपन्न होगी। इस बीच में तीसरा पेपर जारी है और अभी तक प्रदेश के 5 शहरों में जहां पर ये परीक्षा हो रही है, आरपीएससी को कहीं से भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी या नकल की शिकायत नहीं मिली है। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है और इस बीच में जो आज तीसरा पेपर हो रहा है जनरल स्टडीज पार्ट 3 का, उसकी उपस्थिति का आंकड़ा आया, उसमें 2,928 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस पेपर में गैर हाजिर रहे हैं और सर्वाधिक गैर हाजिरों की संख्या जो है वो जयपुर में है, जहां पर 11,012 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 1,740 जो है वो इस पारी की परीक्षा में जो है केंद्र पर नहीं पहुंचे, परीक्षा नहीं दे रहे। इसके अलावा अजमेर में 2,588 रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 397 ने परीक्षा नहीं दी है। जोधपुर में 3,904 रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 535 ने ये परीक्षा नहीं दी है। कोटा में 865 रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 114 ने परीक्षा नहीं दी है। उदयपुर में जहां सिर्फ 2 ही परीक्षा केंद्र बनाए गए आरपीएससी की ओर से, वहां 986 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 142 ने इस पारी की परीक्षा नहीं दी है। तो कुल 19,355 रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से 16,477 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त दूसरे दिन की पहली पारी की परीक्षा दे रहे हैं और आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 का मेंस का तीसरा पेपर देने वालों की अभ्यर्थियों की संख्या 16,477 है। कल भी जो आंकड़े निकल के आए थे दोनों ही पारियों में गैर हाजिर अभ्यर्थियों के, वो 2,500 से ऊपर ही रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि जिनकी तैयारियां अधूरी थी या जो नहीं आ पाए थे, वो कैंडिडेट जो है वो लगातार गैर हाजिर चल रहे हैं और 16,000 के आसपास ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीरियसली मेंस की तैयारी कर रहे थे और लगातार यही संख्या जो है तीसरी पारी में भी निकल के सामने आई रजिस्टर्ड कैंडिडेट की। और 972 पदों के लिए ये परीक्षा होने जा रही है, तो समझना होगा कि 972 पद हैं और करीब 16,500 कैंडिडेट हैं जो रेगुलर सभी पारियों की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा फिलहाल शांतिपूर्ण जारी है, 12 बजे ये पेपर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद चौथा और अंतिम पेपर जो है दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।